तो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब आपको करंट से डर नहीं लगता, आप जब काम करते हैं बिजली का तो आपको बिजली के झटके नहीं लगते? तो हमारा जवाब यही होता है कि झटका तो देखो लगता है, लेकिन उस झटके से कैसे हम बच सकते हैं, जो सावधानियां हमें किस किस बात की रखनी चाहिए, किन किन बातों की सावधानियां हमें रखनी चाहिए, वो बात हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ताकि बाय द वे कभी एनी चांस आपको कभी कोई काम करना पड़ जाए घर पे इलेक्ट्रिशियन का, मान लीजिए कोई स्विच सॉकेट चेंज करना है, कोई वायर जोड़नी है, तो उस दौरान आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आज वो बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही धांसु वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद कुछ न कुछ आपको ज्ञान ज़रूर मिलेगा। और अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल घर में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं किसी भी चीज़ के साथ, आप घर का छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो आपको इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि कुछ ना कुछ हर किसी को थोड़ा बहुत इस वीडियो के बाद फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं करके प्रैक्टिकल कि हमें इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता, किन किन सावधानियों का वो लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए यह एक पावर सप्लाई है, बल्ब जल रहा है, देखिए ठीक है बल्ब जल रहा है, यहाँ पे वायरिंग है इसकी और बल्ब जल रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई वायर, एक वायर, सिंगल वायर बीच में से टूट गई है और हमारा जो बल्ब है वो बंद हो गया है। मान लीजिए मेन वायर भी मान सकते हो आप, पावर की सप्लाई इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें पावर की सप्लाई कट हो गई है, हमारे घर की लाइट चली गई है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन इसलिए करते हो कि लाइट चली गई है, हमें बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो सवाल था कि भी करंट क्यों नहीं लगता है, देखिए अभी अगर इसमें आपको टेस्ट करके दिखाएं तो ये जो वायर है, जो मेन वायर है बोर्ड में से आई है, इसमें अभी करंट है, देखिए ये देखिए, ठीक है, इसका मतलब अभी इस वायर में पावर सप्लाई चालू है। लेकिन इस वायर को देखिए, बल्ब ऑन हो रहा है, मतलब पावर सप्लाई इस वायर में चालू है। तो इसको हम हाथ से कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए मैं हाथ से जोड़ रहा हूँ इसको, ये देखिए पावर सप्लाई ऑन थी, टेस्टर से आपको चेक करके दिखाया था, लेकिन मैं इसको हाथ से जोड़ रहा हूँ, ये देखिए हाथ से जोड़ा है मैंने, अभी दोबारा हटाता हूँ, ये देखिए हटा दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से हाथ से जोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, ये देखिए ठीक है, मैंने हाथ से जोड़ दिया, पावर सप्लाई चालू हो गई है। वैसे ही आपके घर की पावर सप्लाई चालू हो गई है, लेकिन मेरे को करंट क्यों नहीं लगा, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप ऐसा कार्य करें, सबसे पहले आपके आपके शरीर का कोई भी अंग अर्थिंग के साथ अटैच ना हो, किसी भी दीवार के साथ अटैच ना हो, और पैर में ये देखिए मैंने जूते पहन रखे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने जूते पहन रखे थे इसलिए मेरे करंट नहीं लगा, और मेरा शरीर का कोई भी भाग, दोबारा करके दिखाता हूँ, देखिए मैंने इसको हटाया है, तो मेरा सारा जो शरीर है, मेरी जो सारी बॉडी है वो एक साइड में थी, कहीं भी दीवार में किसी भी तरह का गीलापन नहीं था पैरों में, ना हाथ गीले थे, ना कोई कपड़े गीले थे, लेकिन इसीलिए मैं मेरे करंट नहीं लगा। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं होता है कि इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगेगा, अगर वो भी सावधानी नहीं रखेंगे तो उनको भी करंट लगेगा, उनको भी दर्द होता है, उनको भी चोट लग सकती है, वो खाली इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसी बात का ध्यान रखते हैं कि उनका जो शरीर है वो सेफ होता है अर्थिंग से, अर्थिंग से वो लोग बच के रहते हैं, पैर उनके गीले नहीं होते हैं, जूते पहन के रखते हैं या फिर चप्पल पहन के रखते हैं, इसीलिए उनको करंट नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जब भी आप कार्य करेंगे बिजली का, या आप थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं, या आप अपने घर में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ बिजली का काम करते रहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें कि आपके जो कपड़े हैं वो गीले ना हो, पैर में कुछ चप्पल या जूते पहन के रखे हों, और आपको जो भी सावधानी बताई गई है उन सावधानियों का आप पालन ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।